नमस्कार, आज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज राज्य के औरंगाबाद जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा उसी मैदान में आयोजित की गई है जहां पिछले महीने राज ठाकरे गरजे थे। तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। सवाल यह है कि मुंबई का अगला सीपी कौन होगा। वहीं जल्द ही मुंबई की सड़कों पर फिर से क्लीन अप मार्शल नजर आ सकते हैं। इसी बीच कोरोना वायरस को लेकर महाराष्ट्र में चिंता बढ़ती ही जा रही है। बीते 24 घंटे के अंदर मुंबई में कोविड-19 के मरीज 80% से अधिक बढ़ गए हैं। तो उधर पुसद तहसील के ग्राम ईसापुर में विवाह समारोह में पहुंचे करीब 200 लोगों को भोजन से विष बाधा हुई है। इस समारोह में 1000 से अधिक लोग पहुंचे थे। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज राज्य के औरंगाबाद जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा उसी मैदान में आयोजित की गई है जहां पिछले महीने राज ठाकरे गरजे थे। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे राज्यसभा चुनाव में फंसे पेंच को लेकर बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर निशाना साध सकते हैं। इसी सभा को सफल बनाने के लिए शिवसेना के कई नेता औरंगाबाद में बीते कुछ दिनों से जमे हुए हैं। शिवसेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार सभी सभाओं का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। हजारों की तादाद में शिवसेना के झंडे मंगवाए गए हैं। मंच के पास ही छत्रपति संभाजी महाराज का पुतला भी स्थापित किया गया है। बता दें कि औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी रखने की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। सभा के लिए 1500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसमें 5 DCP, 7 ASP, 30 पुलिस निरीक्षक, 100 पुलिस उपनिरीक्षक और 1200 पुलिस कर्मी रहेंगे। वहीं SRPF की 2 टुकड़ियां भी तैनात की जाएगी। पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता की निगरानी में हजारों पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। इस सभा के लिए ट्रैफिक व्यवस्था और रास्तों में भी बदलाव किया गया है। शहर के अन्य मैदानों में भी शिवसेना की तरफ से स्क्रीन लगाए गए हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। उन्हें शायद एक्सटेंशन मिलने वाला नहीं है। तो सवाल यह है कि मुंबई का अगला सीपी कौन होगा। यदि पिछले 2 सीपी को उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो रजनीश सेठ का नाम पहले नंबर पर आता है। रजनीश DGP है, पांडे भी DGP से CP बने थे। उनसे पहले हेमंत नगराले मुंबई के CP थे। नगराले भी मुंबई पुलिस कमिश्नर से पहले महाराष्ट्र के DGP थे। रजनीश के बाद DG हाउसिंग विवेक फणसलकर का नाम मुंबई CP की दौड़ में चल रहा है। फणसलकर ठाणे के CP और महाराष्ट्र ATS चीफ भी रहे हैं। डॉक्टर भूषण उपाध्याय भी DG रैंक के अधिकारी है, वर्तमान में होमगार्ड के चीफ है। वो लंबे समय तक नागपुर के पुलिस कमिश्नर भी रहे हैं। लीगल एंड टेक्निकल के डायरेक्टर जनरल संदीप बिश्नोई की पोस्ट भी DG रैंक की है। इसलिए मुंबई CP के पद के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से उनके नाम पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि पुलिस महकमे में काफी लोगों का कहना है कि पांडे वर्तमान सरकार के लाडले अधिकारियों में से एक है, इसलिए एन वक्त पर उन्हें एक्सटेंशन मिल जाए तो भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। संजय बर्वे से लेकर तमाम अन्य पुलिस कमिश्नर को अतीत में एक्सटेंशन मिल चुका है। अमूमन 3 महीने का एक्सटेंशन की सिफारिश का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है और 3 महीने का केंद्र सरकार के पास। जल्द ही मुंबई की सड़कों पर फिर से क्लीनअप मार्शल नजर आ सकते हैं। इस संदर्भ में अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। गौरतलब है कि कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच मास्क पहनने की मांग ने फिर से जोर पकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे कई बार लोगों से मास्क पहनने की अपील भी कर चुके हैं। कोरोना काल में क्लीनअप मार्शल के जरिए BMC बिना मास्क पहनने वालों से जुर्माना वसूलती थी। क्लीनअप मार्शल समेत अन्य माध्यमों के जरिए मास्क न पहनने वालों से करीब 100 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला गया था। कचरा विभाग द्वारा क्लीनअप मार्शल 1 साल के लिए मुहैया कराने के लिए एजेंसी नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया गया है। विभाग से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक अभी हमें प्रशासनिक मंजूरी का इंतजार है। अनुमति मिलते ही हम प्रक्रिया शुरू करेंगे। सब कुछ ठीक रहा तो 1 महीने में एजेंसी काम करने लगेगी। क्लीनअप मार्शल को लेकर अक्सर विवाद होता रहा है। कई बार इनकी मनमानी की शिकायतें आती है तो कई बार अवैध मार्शल भी पकड़ में आते रहे हैं। कई शिकायतों के बाद इनके ड्रेस कोड पर वार्ड का नाम भी लिखा जाने लगा है। मार्शल पर भी नियमों का अनुपालन न करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कोरोना वायरस को लेकर महाराष्ट्र में चिंता बढ़ती ही जा रही है। सबसे ज्यादा हालात मुंबई के खराब हो रहे हैं। बीते 24 घंटे के अंदर मुंबई में कोविड-19 के मरीज 80% से अधिक बढ़ गए हैं। ठाणे और नवी मुंबई के उपनगरीय शहरों में मंगलवार को 90% से अधिक मामले दर्ज किए गए। मुंबई में सोमवार को 676 कोविड मामले आए थे, वो मंगलवार को बढ़कर 1242 हो गए। इन आंकड़ों को देखें तो महज 24 घंटे के अंदर 83% कोविड के केस बढ़े हैं। 29 जनवरी को मुंबई में 1411 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले 5 महीनों में आए कोविड केसेस में सबसे ज्यादा थे। वहीं निजी डॉक्टरों ने कहा है कि अधिक परीक्षण से अधिक मामले सामने आए हैं, जो वृद्धि का संकेत देते हैं, लेकिन उन्होंने चौथी लहर की आशंका से इनकार किया है। मुंबई में बढ़ते मामलों के बीच अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। सोमवार को अस्पताल में 24 मरीज भर्ती हुए थे, मंगलवार को ये संख्या बढ़कर 74 हो गई। इनमें से 19 ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। मंगलवार को ठाणे में 153 और नवी मुंबई में 108 मामले दर्ज किए गए।
पुणे शहर 82 मामलों के साथ चौथे स्थान पर रहा। राज्य के अधिकांश अन्य जिलों के आंकड़े देखें तो 20 से कम ही कोविड मामले थे। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के निगरानी अधिकारी डॉक्टर प्रदीप अवाटे ने कहा कि पुणे की एक 31 वर्षीय महिला के BA.5 वेरिएंट संक्रमित होने का पता चला है। वो बिना लक्षणों वाली थी और होम आइसोलेशन में ठीक हो गई थी। उसकी जीनोम सीक्वेंस की रिपोर्ट मंगलवार को आई। पुसद तहसील के ग्राम ईसापुर में विवाह समारोह में पहुंचे करीब 200 लोगों को भोजन से विषादा हुई है। इस समारोह में 1000 से अधिक लोग पहुंचे थे। इनमें से भोजन के बाद कई लोगों को पेट दर्द, उल्टी की परेशानी हुई। करीब 200 लोगों को तत्काल उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कलमनुरी, शेम्बल पिंपरी और पुसद उपजिला अस्पताल ले जाया गया। इनमें छोटे बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल है। बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए भर्ती होने से उपजिला अस्पताल में बेड कम पड़ गए थे। घटना सोमवार देर रात हुई। मंगलवार तक लोगों का उपचार जारी रहा। तहसील स्वास्थ्य अधिकारी जय नाइक, पुसद उपजिला अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर कैलाश राठौर ने तुरंत उपचार शुरू करने से लोगों की जान बचाने में सफलता मिली। सूचना मिलते ही विधायक इंद्रनील नाइक उपजिला अस्पताल पहुंचे और मरीजों का हालचाल जाना। विषबाधा में गंभीर लोगों में वरवधु भी शामिल है। वैद्यकीय अधिकारियों ने तुरंत उपचार कर हालत संभाला। उन्होंने कहा कि फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है, सभी बाराती सकुशल है। भोजन की जाँच की जा रही है जिससे इनकी बड़ी संख्या में लोगों को विषबाधा हुई। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है। पिछले साल केरल में हुए गोल्ड स्मगलिंग केस में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और उनके परिवार के सदस्यों और कुछ शीर्ष नौकरशाहों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जैविक पिता को अपनी संतान से मिलने का अधिकार है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने फिर से नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की है। रेपो रेट में इस महीने 0.50% तक की बढ़ोतरी की गई है। इस बीच महाराष्ट्र में बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव के लिए अपने 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इस लिस्ट में बीजेपी के कद्दावर नेता और दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे का नाम नहीं है। तो उधर पशुपालन मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को झारखंड के पालमू की अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोषी करार देते हुए 6,000 रुपए का जुर्माना सुनाया है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। पिछले साल केरल विधानसभा चुनाव से पहले गोल्ड स्मगलिंग केस उठा था। यह केस एक बार फिर उछला है। इस मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, उनके परिवार के सदस्यों और कुछ शीर्ष नौकरशाहों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वप्ना ने आरोप लगाया कि 2016 में विजयन की दुबई यात्रा के दौरान UAE में मुद्रा की तस्करी की गई थी। UAE के महावाणिज्य दूत के आवास से कई बार गोल्ड की तस्करी की गई। सोने के बिस्किट बिरयानी के बड़े डब्बों में करके CM आवास तक भेजी गई। हालांकि विजयन ने आरोपों को खारिज किया है और कहा कि उनमें रत्ती भर सी सच्चाई नहीं है। उन्होंने इन आरोपों को सरकार और राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ एक राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा करार दिया। हालांकि स्वप्ना ने इस मामले के बारे में और पहले CM के पूर्व प्रमुख सचिव M शिवशंकर के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बात की थी, लेकिन वह पहली बार मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप लगा रही है। एक मैजिस्ट्रेट के सामने CRPC की धारा 164 के तहत एक गोपनीय बयान देने के बाद मीडिया से बात करते हुए स्वप्ना ने एर्नाकुलम जिला अदालत में संवाददाताओं से कहा कि विजयन, उनकी पत्नी कमला, बेटी वीना, शिवशंकर, पूर्व निजी सचिव CM रविंद्रन, पूर्व मंत्री KT जलील और पूर्व IAS अधिकारी नलिनी नेट्टो की राजनयिक चैनल के माध्यम से सोने की तस्करी में संलिप्तता थी। अगर कोई बच्चा बिना शादी के पैदा हुआ हो और कानून की नज़र में अवैध हो तो क्या उसके जैविक पिता को उससे मिलने का अधिकार है, खासकर तब जब हिंदू मैरिज एक्ट मां को ही बच्चे का इकलौता अभिभावक मानता हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में कानून और भावनाओं में संतुलन साधते हुए फैसला दिया है। जस्टिस MR शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की वैकेशन बेंच ने फैसला दिया कि जैविक पिता के पास अपनी संतान से मिलने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें शख्स को अपनी 3 साल की संतान से मिलने के लिए समय तय किया गया था। याचिकाकर्ता शख्स के एडवोकेट नलिन कोहली ने बेंच को बताया कि उनका मुवक्किल स्वीकार करता है कि वह बच्चे का जैविक पिता है, लिहाजा संतान अवैध नहीं है। वह दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले से खुश है जिससे उसे हर हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बच्चे से 2 घंटे तक मिलने और रविवार को 6 घंटे तक बच्चे के साथ रहने की इजाज़त दी थी। हालांकि कोहली ने कहा कि वीकेंड्स के दौरान उनका मुवक्किल दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी स्थित फ्लैट पर ही बच्चे से मुलाकात कर सकता है। जिस फ्लोर पर मां रहती है उससे ऊपर वाले फ्लोर पर वह अपनी संतान से मिलता है। शख्स पहले उसी फ्लोर पर रहता था। मुद्रास्फीति में कमी के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक ने आज यानी बुधवार को फिर से नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की है।
गवर्नर शक्तिकांत दास पहले ही इसके संकेत दे चुके थे। पिछले ही महीने रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी की थी और अब इस महीने फिर से 0.50% तक की बढ़ोतरी की गई है। अब रेपो रेट की नई दर 4.90% हो गई है। इस बढ़ोतरी के चलते फिर से आपकी EMI महंगी हो जाएगी। रिजर्व बैंक की तरफ से इस बार रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% की बढ़ोतरी की गई है। रेपो रेट बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि रिजर्व बैंक की तरफ से बैंकों को लोन महंगी दर पर मिलेगा। ऐसे में बैंक इस बढ़ोतरी को ग्राहकों तक ट्रांसफर करेंगे और उनके लिए भी कर्ज लेने की दरें महंगी हो जाएगी। वही अगर आपको होम लोन चल रहा है तो उसकी EMI में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि उससे उन लोगों को फायदा होगा जो बैंक FD कराते हैं, क्योंकि इससे FD की दरें भी बढ़ जाएगी। खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में लगातार 7वें महीने बढ़ते हुए 8 साल के उच्चतम स्तर 7.79% पर पहुंच गई है। इसकी मुख्य वजह यूक्रेन रूस युद्ध के चलते ईंधन सहित जींस कीमतों में बढ़ोतरी है। थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति 13 महीने से 2 अंक में बनी हुई है और अप्रैल में यह 15.08% के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गई। महाराष्ट्र में BJP ने विधान परिषद चुनाव के लिए अपने 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। हालांकि इस लिस्ट में BJP की कद्दावर नेता और दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे का नाम नहीं है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले पंकजा मुंडे ने विधान परिषद चुनाव को लेकर ये बयान दिया था कि पार्टी जो भी फैसला लेगी वो उन्हें मंजूर होगा। तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि संभवतः पार्टी इस बार पंकजा को विधान परिषद भेजेगी। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में भी प्रीतम मुंडे को लेने की खबरें चल रही थी। इस समय भी प्रीतम मुंडे का नाम दरकिनार करते हुए औरंगाबाद के डॉक्टर भागवत कराड को मौका दिया गया था। कहा जा रहा था कि दोनों ही बहनें पार्टी द्वारा की जा रही उपेक्षा से नाराज है, संभवतः किसी पार्टी का गठन भी कर सकती है। हालांकि बाद में खुद पंकजा मुंडे ने इसे कोरी अफवाह बताया था। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में BJP की तरफ से जिन उम्मीदवारों को मौका दिया गया है उनमें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर, राम शिंदे, श्रीकांत भारती, उमा खापरे और प्रसाद लाड के नाम शामिल हैं। OBC समाज से राम शिंदे या पंकजा मुंडे को टिकट मिलने की संभावना थी, जिसमें से पंकजा का पत्ता कट गया है। भाजपा के इस निर्णय पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि गोपनीय समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है। पशुपालन मामले में सजायाफ्ता और लगातार अदालत और जेल की चक्कर लगाने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को झारखंड के पलामू की अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोषी करार देते हुए 6000 रुपए का जुर्माना सुनाया है। वर्ष 2009 में गढ़वा में दर्ज इस मामले में भी लालू प्रसाद जमानत पर थे। 2009 के विधानसभा चुनाव के दौरान गढ़वा से राजद प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह के प्रचार में वे हेलीकॉप्टर से आए थे। उनकी सभा स्थानीय गोविंद उच्च विद्यालय में होनी थी, मगर हेलीकॉप्टर के लिए गढ़वा ब्लॉक के ही कल्याणपुर में हेलीपैड निर्धारित था। इसका अतिक्रमण कर लालू प्रसाद का हेलीकॉप्टर सभास्थल वाले विद्यालय के मैदान में ही उतारा था। वहां मजिस्ट्रेट के रूप में भी तैनात तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी सुभाष सिंह ने इसे लेकर लालू प्रसाद और पायलट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पलामू के MP MLA विशेष अदालत में चुनावी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का ये मामला चल रहा था। सुनवाई के दौरान ये सफाई दी गई थी कि पायलट रास्ता भटक गया था, इसलिए सभा मैदान में हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा। सतीश कुमार मुंडा की अदालत ने इस मामले में लालू प्रसाद को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। बुधवार को सुबह 7:30 बजे ही लालू प्रसाद अदालत पहुंच गए और सुनवाई के बाद करीब 8 बजे अदालत से बाहर निकल गए। लालू प्रसाद के अधिवक्ता के अनुसार मामले का निपटारा हो गया है। भारत की टेंशन बढ़ाते हुए चीन की नौसेना कंबोडिया में एक नौसैनिक अड्डे का निर्माण कर रहा है, जो इस तरह की दूसरी विदेशी चौकी है। तो भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए कथित विवादित बयान पर अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी नाराजगी जताई है। वहीं अमेरिका के फ्लोरिडा में एक 2 साल के बच्चे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी, तो उधर रेक्टल कैंसर से जूझ रहे एक समूह के साथ एक चमत्कार हुआ है। प्रयोग के तौर पर इलाज में 18 मरीजों का कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया है। इसी बीच फ्रांस में सुई से हमला करने का आरोप है 20 वर्षीय युवक पर लगा है। दक्षिण फ्रांस में कई घटनाओं के सामने आने के बाद युवक को गिरफ्तार किया गया है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। भारत की टेंशन बढ़ाते हुए चीन की नौसेना कंबोडिया में एक नौसैनिक अड्डे का निर्माण कर रहा है, जो इस तरह की दूसरी विदेशी चौकी है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इसकी पहली सैन्य चौकी है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती में नौसैनिक सुविधा के बाद यह चीन का एकमात्र अन्य विदेशी सैन्य अड्डा है। हालांकि चीन और कंबोडिया दोनों ने ही नौसैन्य अड्डा बनाने की बात से इनकार किया है, लेकिन पश्चिमी देशों के अधिकारियों ने कहा है कि चीन बहुत सावधानी से सैन्य अड्डे का निर्माण कर रहा है ताकि इसकी भनक किसी को नहीं लगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से यह सैन्य अड्डा सिर्फ 1200 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित है।
लिहाजा बंगाल की खाड़ी में ये भारत के लिए टेंशन की बात है, क्योंकि यहाँ चीन पहले से ही मजबूती से कदम बढ़ाने की कोशिश में है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि नया नौसैनिक अड्डा एक सच्ची वैश्विक शक्ति बनने की अपनी आकांक्षाओं के समर्थन में दुनिया भर में सैन्य सुविधाओं का एक नेटवर्क बनाने की बीजिंग की रणनीति का ही हिस्सा है। अमेरिकी अधिकारियों और विश्लेषकों के अनुसार इस क्षेत्र में चीन अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है और बड़े नौसैनिक जहाजों की मेजबानी करने में सक्षम एक मिलिट्री बेस चीन की महत्वाकांक्षा का एक महत्वपूर्ण तत्व होगा। साल 2019 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में इस मामले से परिचित अमेरिकी और संबंध अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया था कि चीन ने अपनी सेना को आधार का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए एक गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि दोनों देशों ने इस रिपोर्ट का खंडन किया था। उस समय कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन सेन और चीनी रक्षा मंत्रालय दोनों ने रिपोर्टों को खारिज कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए कथित विवादित बयान पर अब मुस्लिम देशों की भी नाराजगी सामने आने लगी है। कुवैत, ईरान, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने भी नुपुर शर्मा के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। वहीं अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी बीजेपी प्रवक्ता के बयान पर नाराजगी जताई है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि ऐसे कट्टरपंथियों को इस्लाम के पवित्र धर्म का अपमान करने और मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने की अनुमति न दे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात भारत में सत्ताधारी दल के एक प्रवक्ता द्वारा इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल की कड़ी निंदा करता है। अब तक ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया और इंडोनेशिया सहित 14 देशों ने बीजेपी प्रवक्ता के विवादित बयान की निंदा की है। वहीं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत धार्मिक स्वतंत्रता को रौंद रहा है और मुसलमानों को सताया जा रहा है। दुनिया को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारा प्यार पवित्र पैगंबर के लिए सर्वोच्च है। सभी मुसलमान अपने पवित्र पैगंबर के प्यार और सम्मान के लिए अपना जीवन बलिदान कर सकते हैं। ओमान के ग्रैंड मुफ्ती शेख अल खलीली ने ट्वीट किया कि भारत की सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता की अभद्र टिप्पणी हर मुसलमान के खिलाफ जंग की तरह है। जवाब में बीजेपी और मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से साफ कर दिया गया है कि ऐसे बयानों से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक 2 साल के बच्चे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक बच्चे के पिता ने लोडेड गन को घर के किसी असुरक्षित स्थान पर छोड़ रखा था, तब बच्चे ने गन उठाकर पिता के ऊपर चला दी। ऑरेंज काउंटी शेरिफ कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे ने अपने पिता रैगी मैबरी को उस वक्त गोली मारी जब वह वीडियो गेम खेल रहा था। मैबरी का परिवार मेट्रो ऑरलैंडो में रहता है। परिवार में मैबरी की पत्नी मेरी अयाला और 3 बच्चे हैं। ऑरेंज काउंटी के शेरिफ जॉन मीना ने कहा कि बच्चे के माता पिता को नशीली दवाओं की लत लगी हुई थी और वे इसी कारण अपने बच्चों का ठीक ढंग से देखभाल नहीं कर पा रहे थे। नशीली दवाओं के सेवन से जुड़े अपराध और बच्चों की उपेक्षा को लेकर उन पर कई आरोप भी लगे थे। वे उस समय पैरोल पर थे जब यह घटना घटी। अधिकारियों के मुताबिक अयाला ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसके 5 साल के बेटे ने उसे बताया कि उसके 2 साल के भाई ने बंदूक चलाई थी, लेकिन बड़ा भाई यह नहीं बता सका कि उसके छोटे भाई ने हथियार कैसे हासिल किया। अधिकारियों के अनुसार बंदूक को ठीक से सुरक्षित जगह पर नहीं रखा गया था, इसके चलते 2 साल का एक बच्चा इस तक पहुंच गया और दुर्घटनावश अपने पिता को गोली मार दी। मेरी अयाला पर लापरवाही के कारण गैर इरादतन हत्या का आरोप तय किया गया है। वहीं बच्चे को फिलहाल फ्लोरिडा बाल एवं परिवार विभाग की देखरेख में भेज दिया गया है। शेरिफ ने चिंता प्रकट करते हुए कहा कि अब एक छोटे बच्चे को इस सदमे के साथ जीवन जीना पड़ेगा कि उसने अपने पिता को गोली मार दी, और उसके लिए यह जीवन भर किसी त्रासदी से कतई कम नहीं होगा। रेक्टल कैंसर से जूझ रहे एक समूह के साथ एक चमत्कार हुआ है। प्रयोग के तौर पर एक इलाज में इन मरीजों का कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया और इन्हें नया जीवन मिल गया। इस छोटे से क्लिनिकल ट्रायल में 18 मरीजों को शामिल किया गया था, जिन्हें 6 महीनों के लिए डोस्टरलिमैब नामक एक दवा दी गई। 6 महीने के बाद इन सभी लोगों का कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया। एक रिपोर्ट के अनुसार डोस्टरलिमैब एक दवा है कि जो लैब में बनाए गए अणुओं से बनी है। यह दवा शरीर में सब्स्टिट्यूट एंटीबॉडीज की तरह काम करती है। रेक्टल कैंसर से सभी मरीजों को एक ही दवा दी गई थी। इलाज का नतीजा यह हुआ कि 6 महीने के बाद सभी मरीजों का कैंसर पूरी तरह गायब हो गया, जिसे एंडोस्कोपी जैसे फिजिकल एग्जाम से डिटेक्ट नहीं किया जा सका। संभवतः कैंसर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है।
रिपोर्ट के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल में शामिल मरीज इससे पहले कैंसर से छुटकारा पाने के लिए लंबे और तकलीफदेह इलाजों से गुजर रहे थे, जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी। इलाज के ये तरीके यूरिनरी और सेक्सुअल रोगों के कारण बन सकते हैं। 18 मरीज यह सोचकर ट्रायल में शामिल हुए थे कि ये उनके इलाज का अगला चरण है। हालांकि उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि अब उन्हें आगे इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों ने मेडिकल जगत को आश्चर्य में डाल दिया है। अहम बात यह है कि किसी भी मरीज में ट्रायल ड्रग के साइड इफेक्ट नहीं देखे गए। उन पर सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। ट्रायल के दौरान मरीजों को 6 महीने तक हर तीसरे हफ्ते दवा दी गई। वे सभी कैंसर के एक समान स्टेज पर थे। दवा का रिव्यू करने वाले कैंसर शोधकर्ताओं ने बताया कि यह इलाज आशाजनक लग रहा है। फ्रांस में सुई से हमला करने का आरोप एक 20 वर्षीय युवक पर लगा है। दक्षिण फ्रांस में कई घटनाओं के सामने आने के बाद युवक को गिरफ्तार किया गया है। टोलोन के रिवेरा समुद्री तट पर एक टेलीविजन कार्यक्रम के संगीत कार्यक्रम की शूटिंग के दौरान 20 लोगों ने सुई से घायल होने की सूचना दी थी। एक महिला को सुई से हमले के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके बाद उनकी निशानदेही पर युवक को गिरफ्तार किया जा सका। अभियोजकों की ओर से कहा गया कि दो महिलाओं ने संदिग्ध की पहचान की। इस शख्स पर गंभीर और पूर्व नियोजित सशस्त्र हिंसा का आरोप लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि अभियोजकों की ओर से कहा गया है कि आरोपी ने हमले के आरोपों से इनकार किया है, लेकिन गवाहों के पर्याप्त बयान है जिसके कारण उसे अदालत में पेश किया जा सकता है। बता दें कि इस साल की शुरुआत से ही निडल अटैक के लगभग 100 मामले सामने आ चुके हैं। लड़कियों को इसके जरिए निशाना बनाया जा रहा है। जिन लड़कियों को निशाना बनाया जाता है उनमें सामान्य लक्षण दिखते हैं, जैसे मतली, चक्कर आना और तेज दर्द। बाद में उन्हें अपनी त्वचा पर सुई चुभने के निशान पता चलते हैं। जहां सुई चुभ ही जाती है वहां पर स्किन का रंग भी बदला हुआ दिखता है। इस हमले को लेकर लोग इसलिए डरे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि किस तरह की सुई चुभ ही जा रही है। पूर्वी फ्रांस के बेलफोर्ट में भी एक उत्सव के दौरान 17 से 18 आयु के 6 किशोरियों ने उनके हाथ और बाहों में अचानक तेज दर्द की शिकायत की है। वहीं 7 लड़कियों ने शूटिंग के दौरान निडल हमले की शिकायत की है। यही से संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया था। पूरे देश के अलग अलग शहरों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अधिकतर पीड़ितों को ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहा गया है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।